Hey everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to complete the topic reading works of art. This is the second part and this topic belongs to 9th standard SSC board. Let's begin. तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ आर्ट दैट इज गोंड आर्ट के बारे में. गोंड आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट. ट्राइबल मीन्स आप कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस के पीपल, लाइक आदिवासी आप मान सकते हैं. तो किसी पर्टिकुलर जगह के जो लोग होते हैं उनका एक आर्ट है ये गोंड आर्ट. इट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय द गोंड ट्राइबल पीपल रेजाइडिंग लार्जली इन द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा स्टेट्स ऑफ इंडिया. तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ये ट्राइबल पीपल पाए जाते हैं और उन्होंने ही इस आर्ट को डेवलप किया है और संभाल के रखा है. प्रिजर्व में संभाल के रखना, आगे बढ़ाना. फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल टेल्स एंड मिथोलॉजी वी लर्न दैट दे हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इवन बिफोर द अदर इनहेबिटेंट्स केम हियर. तो उनकी जो पुरानी कथाएं हैं, ट्रेडिशनल मीन्स जो उनकी पुरानी स्टोरीज हैं या फिर आप कह सकते हैं जो कथा होती है, तो उनसे ये जानने को मिलता है या उनसे हमको ये सीखने को मिलता है दैट वो जो है मीन्स ये जो ट्राइबल पीपल हैं ये इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों तक रहे हैं या हज़ारों सालों पहले रहे हैं, जहाँ तक इवन दूसरी लाइफ नहीं आई थी, दूसरे लोग नहीं आए थे तब तक. मीन्स उस टाइम भी ये लोग रहते थे, उस टाइम के हैं ये लोग, उस टाइम से इनकी जो टेल्स हैं वो चली आ रही हैं, इनकी लाइफ स्टाइल है वो चली आ रही है. द गोंडी लैंग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगु अ ड्रेविडियन लैंग्वेज. उनकी जो लैंग्वेज है वो तेलुगु लैंग्वेज से सिमिलर है, एक जैसी है. गोंड आर्ट हैज स्प्रेड मेनली इन सेंट्रल इंडिया. और ये ज़्यादातर सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ है. ओरिजिनली पीपल यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द अर्थन वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस. पहले जो मीन्स ओरिजिनली मीन्स आप कह सकते हैं कि वास्तव में जो पहले की जो आर्ट थी वो रियल में वो लोग काय पे ड्रॉ करते थे. अर्थन मीन्स मिट्टी से बनी हुई दीवारों पर वो लोग पिक्चर ड्रॉ करते थे. मोस्ट फोक आर्ट्स इन्वॉल्व नेचुरल टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग कलर्स एंड यूज ऑफ सेवरल मीडियम्स. तो जो उनकी आर्ट्स थी, जो उनकी ट्रेडिशनल आर्ट थी, उसमें क्या होता था, इनको ये लोग एक नेचुरल टेक्निक को यूज़ करते थे और उसी से डिफरेंट कलर्स वो फॉर्म करते थे और डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ करके अपनी पेंटिंग को वो कंप्लीट करते थे. दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ स्मूथली फ्लोइंग प्रोसेस. और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती रही एक प्रॉपर स्मूथली प्रोसेस के थ्रू. गोंड आर्ट इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस. और गोंड आर्ट जो है वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो भी इसके साथ ही आगे बढ़ता रहा. A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere. और imagine करो कोई घर है जिसमें काफ़ी सारे सुंदर pictures हैं, तो उससे वो घर कितना अच्छा लगता है, एक अच्छा atmosphere create होता है वहाँ पर. Also art is a medium of recording and preserving what is seen. और at the same time वो कहते हैं कि art जो है एक medium है, एक medium means आप कह सकते हैं एक way है, एक तरीका है जिससे आप जो आप देख रहे हैं, लाइक हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री कई लोगों ने कुछ ने बोली है, किसी ने लिखी है, तो वो क्या करते हैं जो दिख रहा है, जो वो देख रहे हैं, वो क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, एक रिकॉर्ड में रख लेते हैं अपना, उसको संभाल के रखते हैं. तो आर्ट कला भी इसी तरह से है. इन फोक आर्ट्स यू योरसेल्फ प्रिपेयर द कैनवास द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ एंड द कलर्स विद विच यू ड्रॉ. तो फोक आर्ट्स में क्या होता है, आपको खुद को ही अपना कैनवास में जो सरफेस है वो आपको खुद बनाना पड़ता है और कलर्स भी आपको खुद ही सिलेक्ट करने पड़ते हैं जिससे आपको ड्रॉ करना है. दैट इज़ वाई क्रिएटिंग फोक आर्ट इज़ अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस. और इसीलिए फोक आर्ट को क्रिएट करना एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है, जिससे आपको मीन्स ऐसे ही सिंपल वे में आप कुछ पेंट कर देंगे, एक पेपर आप लेकर आ जाएंगे मार्केट से, कोई शीट ले आएंगे उस पर पेंट कर देंगे, दैट इज़ नॉट दिस फोक आर्ट. फोक आर्ट मीन्स आप खुद ही अपना कैनवास रेडी कर रहे हैं, खुद ही सरफेस रेडी कर रहे हैं और उस पर अपनी मेहनत से कुछ कलर्स को यूज़ करके आप क्या कर रहे हैं, उस पर पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं. सो दिस दैट्स वाई दिस एक्सपीरियंस इज़ वैल्यूएबल.
तो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाई इज क्रिएटिंग फोक आर्ट एनरिचिंग? फोक आर्ट क्रिएट करना एनरिचिंग एक्सपीरियंस क्यों है? व्हाई इज क्रिएटिंग फोक आर्ट एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस? तो ये एक्सपीरियंस एनरिचिंग क्यों है? सो लेट अस कंटिन्यू. दिस रिचनेस इज रिफ्लेक्टेड इन द चॉइस ऑफ देयर मीडियम. और जो मीडियम वो सिलेक्ट करते हैं, जिस वे से वो बना रहे होते हैं, जो वे वो सिलेक्ट करते हैं, उसी से उनकी रिचनेस. मीन्स आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रिचनेस का मतलब अमीर होना नहीं है, यहाँ पर रिचनेस का मतलब है वैल्यू उस चीज़ की, क्वालिटी. तो क्वालिटी इस पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से बना रहे हैं. इन द डेज ऑफ द पास्ट सेवरल थिंग्स इन नेचर सच एज सॉइल ऑफ डिफरेंट शेड्स, द जूस ऑफ प्लांट्स, लीव्स, ट्री बार्क, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड इवन थिंग्स लाइक कोल एंड काउ डंग वर यूज टू प्रिपेयर कलर्स. और जो पहले के टाइम पर कलर्स बनते थे, वो कलर्स कैसे बनते थे? वो नेचर से बनते थे. जैसे कि सॉइल, डिफरेंट कलर के सॉइल होते हैं, रेड सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल. तो इन सॉइल के कलर्स से वो क्या करते थे, कलर्स बनाते थे सॉइल की हेल्प से. जूस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जूस से, लीव्स से, ट्री का जो बाग होता है, जो उसका कवर होता है, उसके कवर से, फ्लावर्स की हेल्प से, फ्रूट से. तो उनके जूस से वो क्या करते थे, कलर्स प्रिपेयर करते थे. और इवन वो कोल और काउडंग से भी कलर्स प्रिपेयर करते थे. आपने कभी सुना होगा एक फ्लावर्स, मीन्स डिफरेंट फ्लावर्स भी होते हैं जिनको अगर आप पानी में डाल के रखेंगे तो उनका कलर चेंज हो जाता है, उस पानी का कलर चेंज हो जाता है. तो क्योंकि वो क्या करते हैं, फ्लावर्स अपना कलर उस पानी में छोड़ देते हैं, इस कारण से क्या होता है, वो कल जो वाटर होता है वो अपने आप में ही कलर बन जाता है, जो कलरलेस वाटर कलरफुल बन जाता है. द डिफरेंट कलर्स, वेरियस टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स वर यूज ईयर आफ्टर ईयर. डिफरेंट कलर्स उन्होंने यूज़ किया, डिफरेंट टेक्सचर्स मीन्स जो सरफेसेस है वो उन्होंने डिफरेंट वे में यूज़ करने स्टार्ट किया. पैटर्न्स उन्होंने बदले, बनाने का तरीका उन्होंने बदला, लेंडिंग अ सिंप्लिसिटी टू द आर्ट. और एक सिंप्लिसिटी होती थी आर्ट में, एक सिंपल आर्ट होती थी बट वो बहुत ही ब्यूटिफुल होती थी. When we see these picture, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. तो मीन्स जो भी पिक्चर्स आप देखते हैं, अगर आप इस आर्ट की कुछ भी पिक्चर देखेंगे तो आपको दोनों पिक्चर्स अगर आप देखेंगे तो दोनों ही एक जैसी लगेगी, दोनों ही सुंदर लगेंगी. What a deep thought this art conveys and so easily. और जो पिक्चर्स आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये किस चीज़ की पिक्चर है. लाइक यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर पिक्चर्स क्लियर है. यस, कैमल की है या फिर ट्री की पिक्चर है. तो ये पिक्चर्स क्या होती है, सिंपल होती है, ईजी होती है समझने के लिए. इनका थॉट समझना भी इजी होता है. इन द गॉन स्टाइल ऑफ आर्ट वी सी दैट द आउटलाइंस मे वेरी अ लिटिल फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट बट द डिजाइंस दैट फिल इट मेक द होल पिक्चर लुक लाइवली एंड अट्रैक्टिव. आप गॉन आर्ट में ये चीज़ देखने को मिलती है हमको कि जो आउटलाइंस, दैट मीन्स जो पेंट किया, मीन्स जो पिक्चर बनाई गई है, जो आउटलाइन है उसका, उस पिक्चर का जो आउटलाइन है वो डिफरेंट हो सकता है आर्टिस्ट से आर्टिस्ट तक. मीन्स ऑब्वियसली सब सब एक जैसा तो नहीं बना सकते ना, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस होता है. उनकी डिज़ाइन जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जो डिज़ाइन वो बनाते हैं उस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए, वो डिज़ाइन ही अपने आप में बहुत ही लाइवली, ऐसा लगता है कि बहुत ही सुंदर है. जो ऐसा लग रहा है कि लिटरली वो चीज़ है, लाइवली लगती है और बहुत ही अट्रैक्टिव होती है. The designs include simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes and circles. और जो designs है वो simple textures होते हैं, उसमें से कई बार dots को use करके, lines को use करके, curves, circles, different shapes को use करके उनको बनाया जाता है. Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. और special attention दिया जाता है colors पर, कि आप किस तरह के कलर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जिससे वो जो पेंटिंग है, वो जो आर्ट है, वो अमेजिंग लगती है और ब्यूटीफुल लगता है. इन टुडेज एज ऑफ कमर्शलाइजेशन मैनी मैन हैव टेकन अप गॉन आर्ट. कमर्शलाइजेशन मीन्स आप कह सकते हैं कि प्रोफेशन के वे में कई लोगों ने इसको एक प्रोफेशन की तरह लिया गया है. बट द रूट्स ऑफ फोक आर्ट्स प्रोबेबली लाइन विमेंस डेली चॉर्स लाइक क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग द हाउसेज. लेकिन जो लिटरली अगर आप माने, जो रूट है इस आर्ट की, वो उन लेडीज़ के डेली रूटीन में है
जैसे क्लीनिंग, डेकोरेटिंग द हाउस, डीलिंग विद नेचुरल कलर्स इन द कोर्स ऑफ कुकिंग एंड इन देयर लीजर टाइम एक्टिविटीज़। तो जो जैसे अगर आप माने जैसे हल्दी को हम कुछ भी यूज़ करते हैं तो हमारे हैंड्स क्या होते हैं, पीले हो जाते हैं। केसर को यूज़ करते हैं तो केसरिया कलर हो जाता है। सैफ्रन को यूज़ करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुकिंग के टाइम पर या कभी भी डेकोरेट करते हैं घर को तो हम क्या होता है उन कलर्स के टच में आते हैं और उनसे डिफरेंट कलर्स सामने आते हैं कि हाँ ये कलर भी यूज़ हो सकता है। और इसी आर्ट में मीन्स इन्हीं कलर्स में इसकी बेसिक रूट है। रूट इन द सेंस कि लिटरली ये जो जहाँ से ये बाहर आई है, जहाँ से ये आर्ट आई है, वो यही है कि हाँ जो डेली रूटीन जो नेचुरल कलर्स को यूज़ करके जो पेंटिंग्स होती है वही रियल में गॉन आर्ट होती हैं। आजकल तो ऐसा है कि कई कलर्स हमको अवेलेबल होते हैं बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो कलर्स होते थे वो नेचुरल होते थे और उनकी बात ही अलग होती थी। सो योर सेकेंड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, यू हैव टू राइट 5 points अबाउट गॉन आर्ट। गॉन आर्ट पर आपको 5 points लिखने हैं, 5 sentences यू हैव टू राइट। आई होप टूडेज वीडियो इज क्लियर टू यू। इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।